पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा। खाकी तेरा इकबाल कहा, जी हां, आज यही सवाल हम पूछेंगे क्योंकि राजस्थान के लोग यही पूछ रहे हैं। डर लगता है, जाने किस मोड़ पर, किस गली में, किस नुक्कड़ पर आपके साथ कुछ भी हो जाए। सांसें थम जाती हैं जब अपना कोई घर आने में देरी करता है क्योंकि आपके रक्षक ही अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारी रक्षा कौन करेगा, आपकी रक्षा कौन करेगा। अब इसे क्या कहेंगे कि सरे राह पुलिस वालों की ही जान ले ली जाती है तो वही एक बच्ची की भी जिंदगी छीन ली जाती है। बच्ची को खोने वाली माँ कहती है कि अगर पुलिस कोशिश करती तो उसकी गुड़िया हमेशा के लिए खामोश ना होगी। ये माँ आज गुस्से से जल रही है, तो ऐसी कितनी ही माएं आज आंसू बहा रही हैं, फिर चाहे खो नौगरियान की मासूम की माँ हो या उन पुलिस वालों की जो शहीद हो गए। तो ऐसी में सवाल ये है कि आखिर कैसे बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बौना हो गया है पुलिस सिस्टम और अब कौन बचाएगा, जवाब तो देना पड़ेगा। खतरे में है खाकी, दो पुलिस वालों का सरेआम मर्डर, कहां महफूज हैं आप। 8 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या, वारदात पर वारदात। जब खाकी के ऊपर ही मौत का साया मंडराने लगे तो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। जब हम 70 साल में बेटियों को एक ऐसा सुरक्षा कवच ना दे पाए जिसे भेदने की कोशिश करने से पहले शैतानों के हाथ थर थर कांपने लगे, तो आजादी और लोकतंत्र की बात करने वाले निहायत ही खोखले नजर आते हैं। सीकर जिले की फतेहपुर में थानाधिकारी और कांस्टेबल को सरेआम गोली मार दी जाती है तो अधिकारी सलामी और श्रद्धांजलि के अलावा कुछ नहीं कर पाते। जो घटना है बहुत ही बेहद शॉकिंग और दुखद घटना है जिसमें हमारे दो साथी सहकर्मी जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं ड्यूटी के दौरान। इसमें तत्परता से FIR दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। एक्यूज के बारे में पुलिस को काफ़ी कुछ, उनके आइडेंटिटी के बारे में जानकारी मिल चुकी है और केस का जो अनुसंधान है मेरे सुपरविजन में चल रहा है और मेरे ऑफिस के जो अधीनस्थ IO हैं एडिशनल SP वीर सिंह जी वो इस केस के मुख्य IO होंगे। अभी वो जयपुर से सीकर के रास्ते में हैं, जैसे ही आएंगे अनुसंधान प्रारंभ कर देंगे। फिलहाल केस का जो प्रारंभिक अनुसंधान है वो फतेहपुर सदर के जो थाना प्रभारी है उनके निर्देशन में चल रहा है। पीड़ित परिवारों को नौकरी और मुआवजा देकर सब कुछ रफा दफा कर दिया जाता है और बदमाश आगे बढ़ते जाते हैं अगली शिकार की तलाश में। ये राजस्थान में बचा क्या है, अब तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को राजस्थान के लोगों पे कृपा करनी चाहिए। उनके राज में अगर पुलिस वाले थानेदार भी ऐसे जो भी सुरक्षित नहीं है। मामला इतना भर नहीं है, जिन बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने के दावे केंद्र से राज्य तक सभी करते हो वहाँ बेटियों को ही बचाने की चुनौती सवाल बनकर खड़ी है। जयपुर के खोह नागोरियान ने एक ऐसा ही सवाल फिर से खड़ा किया है। 10 दिन पहले घर से लापता हुई 8 साल की बच्ची का पहाड़ी के दीवार के पास पत्थरों के नीचे दबा शव मिला है। जाहिर है 10 दिन से लापता बच्ची को खोजने की गंभीर कोशिशें की गई होती तो शायद वो जिंदा होती। 95 दिन 25 तारीख को लिखी नई रिपोर्ट, शाम के 5 बजे रिपोर्ट लिखी। क्या बोला पुलिस ने, क्या बोला पुलिस ने, गाड़ी दी गई लड़की करके छोड़ दे, अब पता नहीं लगत कहाँ आए। हाँ भैया, मैं आए सब में ढूंढी ना, सब में कोई पता नहीं। फिर दोबारा थाने में गई तब 5 बजे रिपोर्ट लिखी, पुलिस यंत कमरा थी कमरा तो और कोई सुनवाई नहीं भैया। कती दो दिन बिटिया मिली आती मेरी भैया। जिंदा होने का मतलब क्या है जब संवेदनाएं ही मर चुकी हो, जब कर्तव्य बोध कहीं हो ही ना, तो उम्मीद किससे की जाए। तो फिर सवाल वही कि क्या वाकई इस देश में सिस्टम जिंदा है और सुरक्षा के लिए हम कहां जाएं, किससे गुहार लगाएं, कौन हमें बचाएगा, जवाब तो देना पड़ेगा। तो बेहद शर्मनाक तस्वीर देखने को मिलती है कि जब एक मासूम की माँ गुहार लगाती कि उसकी बेटी नहीं मिल रही है तो पुलिस वाले उसको ही गाली देकर भगा देते हैं। फिर से ये माँ गिड़गिड़ाती है, फिर से अनसुना कर दिया जाता है, फिर ये माँ जाती है उस चौखट पर, लेकिन फिर भी किसी का दिल नहीं पसीजता और 10 दिन बाद खबर आती है कि बेटी की लाश मिली है। अब पूछे उस सिस्टम से कौन जिम्मेदार है,
कौन जिम्मेदार है उस माँ के लिए जिसने अपनी बेटी को खो दिया है, और उन पुलिस वालों का क्या जो शहीद हो गए हैं। और क्या सवाल ये कि जब खाकी ही खतरे में है तो अब किसी से उम्मीद ही नहीं बची है, इस पर जवाब लेंगे। हमारे साथ दो मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं, राजेंद्र शेखावत जी जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम कैसा है कि अपराधी बड़े होते जा रहे हैं, पुलिस छोटी होती जा रही है। और हमारे साथ सुरेंद्र लामा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि सियासत तो खूब की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आंकड़े गिनाए जाते हैं लेकिन सरकारें बदलती हैं लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। लेकिन सबसे पहले राजेंद्र जी आपसे जवाब चाहूंगी, ये क्या हो रहा है सर, पुलिस वालों की जान ले ली जाती है एक तरफ, दूसरी तरफ आम एक मां जो जाती है गुहार लगाती है उसकी अनसुनी कर दी जाती है, ये क्या है? सुषमा जी, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है जो आपने खो नागोरियान की जो घटना बताई, और उसमें दरअसल में पुलिस को बच्चियों की गुमशुदा होने के मामले में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए बहुत संवेदनशील होना चाहिए। और जो ये मामला था इसके अंदर एक बच्ची थी, और पुलिस ने जो रिपोर्ट थी उसमें करीब 5-7 घंटे देरी की, मैं समझता हूँ कि ये बहुत चिंताजनक बात है। इसमें पुलिस के जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मामला नहीं राजेंद्र जी, अक्सर ऐसा ही होता है कि पुलिस वाले पहले ध्यान ही नहीं देते हैं, कहते जाओ ध्यान देना चाहिए था, इसकी पूरी की पूरा प्रोसीजर बना हुआ है। हाँ। पूरा जो भी आपके बच्चे खोते हैं गुमशुदा की आजकल FIR दर्ज होती है, बिल्कुल, और FIR दर्ज होने के बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, और वो जब बच्चा मिल जाता है जब उस फाइल को पूरा क्लोज किया जाता है, अलग से पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर मिसिंग सेल बना हुआ है। लेकिन बदजुबानी जो गाली गलौज करते हैं पुलिस वाले, वो गलत है, वो पुलिस के जो अधिकारी है जिसने भी ये कार्रवाई की है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए पंकज जी से जवाब लेते हैं, पंकज जी लाख दावे कर लीजिए, लाख आंकड़े गिना दिए जाए गृह मंत्री की तरफ से, लेकिन हकीकत को आप बदल नहीं सकते। एक और बेटी मर गई है, दो पुलिस वाले मरे थे कल और अब बेटी भी मर गई है, कौन जिम्मेदार है? देखिए निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जो घटना हुई है उसके लिए सरकार पूरी तरह से चिंतित है। और जहां तक बात से क्या होगा, चिंता चिंतन बहुत हो चुका सर, सुरक्षा कौन देगा, किसके पास जाएं? सुषमा पुलिस ना तो कोई हाथ पे हाथ धर के बैठी है, पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। सुन लीजिए पंकज, ये पूरे खबर अगर आपने पढ़ी हो, 10 दिन हो गए तो उस बच्ची को गायब हुए, अभी उस माँ की बेबसी हमने सुनाई कि कैसे वो रो रही है कि उसको गाली देकर भगा दिया गया था वहां से, कि बच्चे पैदा क्यों करते हो, बच्चे अगर पैदा करें तो जिम्मेदारी हमारी है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस क्यों है फिर, हटाइए सबको। बिल्कुल सुषमा, देखिए जो जिम्मेदार अधिकारी और खासकर जिनकी पब्लिक डीलिंग होती है उनको अपनी भाषा में संयम रखना चाहिए और जिम्मेदारी पूर्वक बयान देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें अगर किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी की कोई लापरवाही है तो निश्चित रूप से सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, परंतु मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि पुलिस कोई किसी भी तरह हाथ पे हाथ करके नहीं बैठी, कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, अपराधी जरूर पकड़े जाएंगे और अपराधी जरूर पकड़े जाएंगे, उनको सजा मिलेगी निश्चित रूप से। सुनिए 10 दिन बच्ची को खोज नहीं पाए, पास में ही शव मिला है, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने बिल्कुल अपने उस वक्त जब FIR दर्ज हुई और जो उनके शिकायत आई उसके बाद में कार्रवाई की, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो बच्ची मिल नहीं पाई। डेड बॉडी जो मिली इसका मतलब बच्ची जीवित थी पहले, अगर पुलिस पहले एक्टिव हो जाती तो बच्ची जीवित मिलती। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम पुलिस के ऊपर ये क्या बिल्कुल आरोप लगा दे कि वो हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। देखिए जी तो ये बहुत गंभीर मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है कि पॉक्सो एक्ट में परिवर्तन कर दिया जाता है, पीठ थपथपाई जाती है लेकिन कुछ होता नहीं। चल इंतजार ऐसा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इंतजार है कि सिस्टम सही से अपना काम करे, इंतजार है कि हर एक इंसान को सुरक्षा मिल सके, सुरक्षा की सौगात कौन देगा, कब देगा? चुनावी घोषणाएं की जाती हैं, चुनावी मौसम में सौगातें बांटी जाती, सिन्नियां बांटी जाती हैं, लेकिन सुरक्षा की बारे में बातें ही होती है, हकीकत कुछ नहीं होती, उसी पर आज हम ये जवाब मांग रहे हैं जिम्मेदारों से। चलिए अब हम अगले मेहमान का रुख करते हैं, सुरेंद्र लामा जी, कहा जा रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है तो ये वारदातें हो कैसे रही हैं, कौन जिम्मेदार है? निश्चित रूप से मैडम मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पुलिस को जो करना चाहिए वो पुलिस नहीं कर पा रही है, और ये हालात राजस्थान में आज से नहीं, पिछले लगातार 58 महीने से प्रदेश में हालात है, सालों से कही है, सालों से मैं इसके पीछे सालों से कही है, मैं सालों से नहीं थे, आप डाटा उठाइए पीछे से, और इस प्रकार के हालात नहीं थे, बिल्कुल डाटा तो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारे पिछले 5 साल के सरकार के कार्यकाल में अपराध का ग्राफ गिरा है, बीच में डिस्टर्ब नहीं किया मुझे, हर साल 8% का क्राइम का ग्राफ गिरा है, चाहे महिला एट्रोसिटी का हो चाहे मर्डर का हो, या 302 के मामले में तो सबसे ज्यादा चालान पेश करने, सर आपके पास फिगर नहीं है मेरे पास, आप डाटा की बात करते, आप डाटा पंकज जी वो डाटा मैं जो बता रहा हूँ वो कांग्रेस के डाटा नहीं है, अन्य किसी पार्टी के कोई सामाजिक संगठन के डाटा नहीं है, वो नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा है।
और मैं ये मानता हूँ मैडम कि एक तरफ है पुलिस अपना काम नहीं कर रही, दूसरी तरफ प्रदेश में जो मोरल पुलिस है वो काम करती है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है जैसे एक 8 साल की बच्ची का जो आपने मामला बताया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, प्रदेश अव्वल स्थान, थर्ड पूरे देश में तीसरे नंबर पे डाटा की अगर बात करते तो आपके भी समय पे हालात अच्छे नहीं थे। और मैं जो एनसीआरबी की डाटा का अगर आप रेफरेंस रख रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि तब भी रेप की वारदात प्रकार के हालात है। मैं ये कह रहा हूँ जो मैडम जो ये हालात में तो ये मैं तो इनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ इससे पहले कभी बीजेपी की गवर्नमेंट रही तो उस ऐसे जो हालात हुए हैं प्रदेश में ये कभी नहीं हुए। महिलाओं पे अत्याचार के मामले में थर्ड नंबर, एससी अत्याचार जो अनुसूचित जाति पे आपके सेकंड नंबर, अनुसूचित जनजाति के मामले में थर्ड नंबर, चैन स्नेचिंग के मामले में दुगने हो गए, एनडीपीएस के मामले में एनडीपीएस मामले में आपने डेढ़ गुना बढ़ गए। इस प्रकार के हालात है, एक तरफ आपकी पुलिस प्रशासन काम नहीं करता है, दूसरी तरफ आपने इसे देश के संविधान और इस देश के कानून को मानते नहीं हो। आपके आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता अपने हाथों में कानून लेते हैं, गोपालकों को आप मर्डर तक करवा देते हो। इस प्रकार के हालात प्रदेश में है। आपके जो अच्छे दिनों के वादे थे वो अब जा चुके हैं, और मैं निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इनके जो अच्छे दिन थे वो राजस्थान की जनता ने देख लिए। और अब पंकज जी आप ये कह रहे हैं तो शुरुआत में ये तो आपके गृह मंत्री ने भी स्वीकार किया था, अभी कुछ वक्त पहले वो जो डेटा लेकर बैठे थे, आंकड़े लेकर बैठे थे कि पहले जब वो सत्ता में आया उसके बाद कुछ आंकड़े बढ़े थे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के, क्या उसको भी झुठला देंगे आप? नहीं देखिए सुषमा, बिल्कुल जो तथ्य है जो कागज रिकॉर्ड में है उन चीजों को कतई झुठलाया नहीं जा सकता, ये बात ठीक है कि देखिए अगर हम अपराध के ग्राफ की पिछले 15 साल का हिसाब देखें, 2003 से 8 के अंदर अपराध का ग्राफ गिरा, और वो जो अपराध का ग्राफ था वो 8 से लेकर 13 में वापस बढ़ने लगा, और 13 के बाद 14 से लेकर 18 तक वो ग्राफ वापस गिरने लगा। ये अपराध के रिकॉर्ड हमारे सबके सामने मौजूद है। मोटी बात ये है कि 58 महीनों में कुछ नहीं भी होते रहे, लेकिन जो आपके ये केवल और केवल झूठ के आरोप के बिना मंत्री तक लोगों ने केवल आरोप लगा के जिंदा रहे नेताओं ने जो अपराधियों को संरक्षण दिया, राजस्थान का कांग्रेस की सरकार ने जो अपराधियों का संरक्षण दिया वो चिंतनीय है, वो देख रही है कि किसी तरह झूठे आरोप लगा के एक माहौल बना के हम वापस सरकार में आ जाए। जो आप उन पे कहते हैं आंकड़ों की बात करते, जनता की बात कोई नहीं करता, किसी पुलिस वाले को सख्त कार्रवाई की सौगात दी आपने, नजीर कोई पेश किया कि अगर भाई आप सुनवाई नहीं करोगे आम जनता की तो आपको हटाया जाएगा? आपकी सरकार ने अगर कोई एग्जांपल तो बता दीजिए यहाँ पर जनता को, क्यों भरोसा करें आप पे, आप पे या आप पे, दोनों पे क्यों भरोसा करें हम? सुषमा जहां तक बात है, आप देखिए जो आप झुंझुनू सीकर वाली घटना की बात कर रहे थे अभी, ये जो एक पॉकेट ऐसा था जो सामान्य गैंगवार हुआ करती थी, हमने किसी का किसी को अजय चौधरी के बारे में सुना नहीं लगा पाए। सुनिए सुनिए, अजय चौधरी इतना बड़ा हो गया है कानून से, पंकज जी अजय चौधरी इतना बड़ा हो गया है कि आपने उसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाई पुलिस की। शर्मनाक है, आईजी चले जाते स्टेटमेंट देते, डीजीपी स्टेटमेंट देते, जानकारी नहीं किसी के पास। हनुमानगढ़ जिले में नौ, आप तो छोड़िए ना भाई, आप गंगा नगर बीकानेर और अजय चौधरी की गैंग किसके इशारे पे चल रही थी, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग किसके इशारे पे चल रही थी, उससे पहले आपके जो आपके कैबिनेट मंत्रियों का आरोप हो गया, आपके गृह मंत्री ने, आपके गृह मंत्री के दामाद ने खत्म हो गए, एक गरीब मजदूर का पैसा खा लिया। विचारधारा की पार्टी आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, आप केवल इसलिए झूठे झूठ का सहारा लेते हो। वो तो राजस्थान की जनता तय करेगी ना कि कौन झूठ का सहारा लेता है, कौन सच का सहारा लेता है। हिंदुस्तान की जनता ने तय कर लिया, हिंदुस्तान की जनता ने बिल्कुल तय कर लिया कि इनके 15 लाख रुपए वापस आ गए। अरे कांग्रेस को मिटाने से अच्छा है कि क्राइम को मिटा दीजिए, इन्होंने विदेश से काला धन लिया, सीसी को में से कांग्रेस से अच्छा कि क्राइम को मिटा दीजिए। सर ये बात रखते तो शायद आपको अपने आप से बहुमत मिल जाता, अपने आप से समर्थन मिल जाता, और जो भी ये बात साबित करेगा लाजमी की जनता उसी के साथ जाएगी। लेकिन दिक्कत यही है कि कोई इसकी बात नहीं करता। अब सवाल यह है कि क्या कानून के हाथ, जो कहते हैं कि जुमला है कि हाथ अपराधियों से लंबे, क्या अब अपराधी ज्यादा लंबे हाथ वाले हो गए? दरअसल में सुषमा जी जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस पे वास्तव में अब समीक्षा करने की आवश्यकता है। जो हमारी कानूनी पेचीदगियां हैं उनका जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं वो बहुत ही सफाई से फायदा उठा रहे हैं, और पुलिस भी उसका जो काम करने का जो तरीका है वो केवल मीडिया ओरिएंटेड रह गया है। जब तक मीडिया किसी भी घटना को अपने पास उसमें खबरों में बना के रखता है पुलिस, तब तक सक्रिय रहती है।
और उसके बाद एकदम से पुलिस को वो उसकी जो डंडा नहीं चलता, उसका वजह ये है कि पुलिस के पास में काम का प्रेशर है। आप ये देखिए 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, कि आप इन्वेस्टिगेशन की यूनिट और लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट अलग से बनाइए, परंतु आज तक उसकी पालना नहीं हुई। पंकज जी जब तक इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अधिकारियों को समय नहीं मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में वीवीआईपी ड्यूटियों में उलझे रहेंगे, मेले त्योहारों में उलझे रहेंगे, तो कैसे आप बताएं पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी, कैसे बदमाशों का पीछा कर पाएगी, कैसे पूरी गैंग को ट्रेस आउट कर पाएगी, कैसे पूरी गैंग को क्रैक कर पाएगी? तो सबसे बड़ी बात है, आप ये देखिए 25% पुलिस का जाप्ता कम है, हर पुलिस स्टेशन पे 25% आदमी कम है, और उसके बाद काम पुलिस का बढ़ गया है, पुलिस का काम है परीक्षा की ड्यूटियों में आ गया। पंकज जी से जवाब दे सुरेंद्र जी। सुषमा जी पुलिस में नफरे की कमी है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, और नफरे की कमी को इस समस्या का समाधान करने के लिए पिछले 6 महीने के अंदर, केवल पिछले 6 महीने की बात बता रहा हूँ, उसमें हमने 19,000 नए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करी। राजेंद्र जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, इस बात से कोई किसी प्रकार का इनकार नहीं है, पुलिस सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है। एक जो सुधार है, जो लॉ एंड ऑर्डर और जो दो अलग अलग मशीनरी होनी चाहिए, ये वास्तव में इस बात की आवश्यकता है, और हमारी सरकार भी इस दिशा में कहीं ना कहीं काम भी हुआ है, परंतु इसके अभी पूरी तरह से ये लागू नहीं हो पाया, इस बात का भी मैं दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूंगा, परंतु पुलिस सिस्टम में इसमें सुधार होना चाहिए। इसका सवाल पर देखिए सुषमा जी इन सबके बावजूद, इन विपरीत परिस्थितियों के बाद में भी आंकड़े इस बात का जवाब देते हैं कि हमने अपनी बेहतरी के लिए अच्छे से अच्छे काम किए। अगर 5 साल में 30% अपराध कम होता है, पंकज जी आंकड़ों की बात कर रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में पुलिस टीम पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं, फिर चाहे वो बजरी खनन वाले हो, बेखौफ बदमाश माफिया, या फिर आपके ये निश्चित रूप से आपके ये गौतस्कर, आप ये बताइए पुलिस टीम पर हमले हो रहे हैं, राज्य कर्मचारियों के साथ जो भी मारपीट की घटनाएं होती है, सरकारें मुकदमे वापस ले लेती है ना, पूछते हैं मुकदमे वापस ले लेती है, कांग्रेस की सरकार हो ना, ये आंकड़े कहते हैं कि पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है, खाकी ही खतरे में है, आंदोलन करते हैं उनके मुकदमे जब सरकार में बीजेपी वाले आते हैं वो ले लेते हैं वापस, कांग्रेस के वो अपने मुकदमे वापस ले लेते, केवल राजनीतिक मुकदमे वापस होते हैं, ये जो सिस्टम है आपके कोई मुकदमे वापस नहीं होते, अगर केवल और केवल वापस लेंगे वापस हुए थे कर्मचारियों के साथ मारपीट के या कांग्रेस के सरकार में, और ये कोई हमने आगे नहीं किया, ये दरअसल में ये जो प्रक्रिया है राजनीतिक मुकदमे वापस लेने का कारण होता है, ये उसी का परिणाम है, वो वापस होते हैं, वो अपराधी बेखौफ लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिनके लंबे समय तक चालान हो गए, वो राजनीतिक मुकदमे वापस होते हैं, अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, आज हमने क्राइम किया है, आज हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है, हमारी सरकार आएगी, हम मुकदमे वापस लेंगे, हम इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पोल है उसको फायदा उठाएंगे, वापस बरी हो जाएंगे। आप ये देखिए इतने हार्डकोर क्रिमिनल जिन्होंने 5-5, 6-6 मर्डर किए, वो कितने कास्टिज्म में चलेंगे, कितने बड़े आंदोलन हुए उनके, हर बार होता है पूरा प्रशासन बदल जाता है, सारे जो बड़े क्रिमिनल है उन्होंने जातिवाद का सारा लेना, पुलिस महकमे में ऊपर से नीचे तक चेंज, राजनीतिक संरक्षण उनको मिल रहा है, कोई उनको जाति के आधार पर, कोई राजनीतिक दल के आधार पर संरक्षण दे रहा है, इसीलिए इस तरह के अपराधी हैं वो बेखौफ होकर पुलिस के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना जो फतेहपुर में हुई है, मैं समझता हूं कि इस तरह की घटनाएं पुलिस विभाग के लिए, सरकार के लिए, कानून बनाने वालों के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति है, कि इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि अगर इस तरह से पुलिस के ऊपर गोलियां चलाएगी, अगर पुलिस इस तरह से पिटेगी तो मैं समझता हूं इकबाल नहीं रहेगा, और ये इकबाल अगर पुलिस का नहीं रहेगा तो कानून का भी नहीं रहेगा, व्यवस्था भी नहीं रहेगी, ये जो बड़े बड़े बंगलों में और बड़े बड़े भवनों के अंदर जो लोग बैठे वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। राजेंद्र जी सवाल सुनिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो जब अपराधी वहां से भाग रहे होते हैं उनकी गाड़ी पलट भी जाती है फिर भी वो वहां से भाग जाते हैं, नाकेबंदी कर दी जाती है चुरू से लेकर झुंझुनू तक और जयपुर तक, फिर भी पकड़ में नहीं आती, ये तो समझ से परे। दरअसल में क्या है कि अब पुलिस के पास स्टाफ ही नहीं है, जब आपके पास में पूरी सेना ही नहीं है तो आप लड़ोगे कैसे? तो नाकेबंदी अगर की तो किसने की? नाकेबंदी के आदमी होंगे जब नाकेबंदी करेंगे ना, अब वो तो दरअसल में निकल गया, वो तो क्रिमिनल थे, उनके पास आज के सोफिस्टिकेटेड वीपन्स थे, आज देखिए उसकी जो फेसबुक पे फोटोएं आ रही है किस तरह से बेखौफ होकर अपनी फोटोएं छाप रहा है, तो ये सब चीजें इस बात को इंगित कर रही है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हमारा युवा किस तरफ जा रहा है, वो अपना भविष्य किधर देख रहा है, वो अपना भविष्य इन अपराधों में देख रहा है, जिन अपराधों में जातिवाद के जरिए, जिन अपराधों में वो राजनीति के आधार पर, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आपके सामने है कि चुनावी मौसम में अगर इस तरह के हिस्ट्री शीटर्स आवारा घूमते रहेंगे, खुल्लम खुल्ला घूमते रहेंगे, वारदातों को अंजाम देते रहेंगे, तो फेयर चुनाव कैसे होगा?
बताइए निडर होके इंसान कैसे वोट देने जाएगा और किसको वोट देगा, क्यों देगा? सुषमा देखिए, जैसे एक चीज हम सब लोग जानते हैं कि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका आधा से आचार संहिता है। ऐसे समय के अंदर पुलिस प्रशासन के ऊपर कंट्रोल सीधा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा। फिर भी देखिए सरकार, और मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विशेष के पुलिस की बात कर रहा हूँ। पुलिस कहीं भी कमजोर नहीं है, पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। और ये बात ठीक है, हमने देखिए पिछले 5 साल का इतिहास है, बड़े से बड़ा अपराधी चाहे 2-4 दिन बाद पकड़ा गया, पर पकड़ा गया क्यों? पुलिस मुस्तैद। अच्छा चलिए एक केस का रेफरेंस देती हूँ आपको। एक जगह पर पुलिस टीम पर हमला हुआ था, 2 साल बाद वहां पर उस हमलावर को पकड़ा गया, हिस्ट्री शीटर था वो। नहीं, ये कैसे? मैं यही चीज कह रहा हूँ हमारे पिछले 5 साल के कार्यकाल के अंदर कोई अपराधी बचा नहीं है, सब अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया। समय लगा भाई, क्योंकि देखिए समय 2 साल बाद देखिए चारे में सुई ढूंढने के समान होता है। अपराधी को पूरे देश में से कहीं ढूंढना, कई बार वो हमारे राजस्थान की सीमाएं भी पार कर जाता है, कई बार हो सकता है वो देश के बाहर भी निकल जाता हो। ऐसे एक सीमा पुलिस के हाथ में सीमाएं होती है, वो हर काम को जादू की छड़ी की जैसे नहीं कर सकता। 2 साल बाद छोड़ा और 2 साल बाद भी उसके पीछे लगे रहे और गिरफ्तार करके। अरे भाई कितना शर्मनाक बयान दे रहे पंकज जी आप, आप समझ रहे आप क्या कह रहे? 2 साल बाद पुलिस टीम पर हमला करने वाला पकड़ा जा रहा है, तो आम आदमी पर हमला करने वाला गायब नहीं हो पा रहा हमारी सरकार के टाइम। बताइए सुरेंद्र जी, 2 साल 20 साल 30 साल 40 साल पकड़ा तो गया ना कम से कम, आप क्या कहते हैं? देखिए मैडम, मैं कुछ बातें राजेंद्र जी की बात से सहमत हूँ कि इस प्रकार की जो परंपरा चल पड़ी है और युवा जो आ रहा है ज्यादा से ज्यादा क्राइम में आ रहा है, इस प्रकार के देश हो जाए प्रदेश में इसके पीछे हालात रहे, हमें डीपली जाना पड़ेगा। हमारी जो ये डिबेट है उसका कुछ न कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, मेरा मानना ये है। और मेरा ये मानना है, गुज्जर की बात में सर कर रही थी, भंडावर में जो अटैक किया था पुलिस टीम पर उसको 2 साल बाद पकड़ा गया, 2016 के बाद अब जाकर पकड़ा गया। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जो कार्रवाई समय पे होनी चाहिए उसका रिजल्ट समय पे अगर आएगा तो कहीं ना कहीं सही रहेगा, लेकिन 2 साल बाद। एक बात ईमानदारी से बताइए, आप भी, आपके घर में भी बेटी होगी, आपकी खुद की होगी, नहीं तो बहन तो होगी कम से कम, निश्चित रूप से दिल रोता नहीं है कि ऐसी सियासत को थूक देना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये ऐसे सिस्टम पर हमला कर देना चाहिए कि अपनी बच्ची सुरक्षित नहीं हो, वो माँ जिस तरह से रो रही है और कह रही है गाली दिया गया, इंसानियत ही मर गई क्या? बिल्कुल, मैं आपको मॉरल वैल्यूज बिल्कुल नहीं बचे। मैं आपकी बात को इंगित कर रहा हूँ, आप मुझे सुनने का प्रयास कीजिए। जो हालात रहे हैं वो सबसे बड़े मैं इसके पीछे रीजन मानता हूँ, और माननीय हमारे प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने स्वीकार किया है कि जो क्राइम बढ़ा है उसके पीछे कहीं के बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और महंगाई है। आज जो युवा है वो 20 साल 25 साल का हो गया, उसको अगर रोजगार सही समय पे नहीं मिलेगा और आज उसके खर्चे बढ़ चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, नोटबंदी से जीएसटी से धीरे धीरे जो प्राइवेट स्कोप थे वो खत्म हो चुके, राजस्थान में बजरी बिल्कुल 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 रूट में जाना पड़ेगा मैडम। तो रूट में जाना पड़ेगा कि क्या सियासत को थूकने का मन नहीं होता कि कभी तो एक इंसान बन जाए? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि अपराधी किसी जाति का नहीं होता, अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता, और हम सब किसी बीजेपी कांग्रेस पार्टी के होने से पहले हम इस देश के नागरिक हैं। इस प्रकार का जो माहौल है, जब राजेंद्र जी ने इस प्रकार बताया, जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या ह्यूमन वैल्यूज जैसे मानक मर जाती है जब इस तरह की खबरें सामने आती है, तो क्या वो इंसान नहीं बचते जहनी तौर पर भी, दिल नहीं होता उनका? नहीं, निश्चित रूप से सुषमा जी, पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए, और इस तरह की घटनाएं हैं ये समाज के लिए कलंक है, और अगर इस तरह की घटनाओं पर भी पुलिस का अगर जो रिएक्शन है वो रेस्पॉन्स है अगर वो प्रॉपर नहीं होता है तो कानून और व्यवस्था पे से आम आदमी का विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल, और इस तरह विश्वास उठ चुका है, विश्वास फिर से कायम करना होगा और यहाँ पर जवाब देना होगा अधिकारियों को, तलाश के लिए थाने में जाए। जो खून नौगरियान की घटना सामने आई है, इस मामले में क्या पुलिस वाले पर कार्रवाई होगी, उस माँ से क्या पुलिस के आला अधिकारी मिलेंगे, उससे जानेंगे कि किसने उनको ऐसे भगाया, गाली गलौज की, और क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस पर हम लगातार अपडेट देते रहेंगे, इस पूरी खबर को हम फॉलो करते रहेंगे। तो सीकर में 2 पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं, क्या उनका भी बदला लिया जाएगा, और ये अजय चौधरी जो फरार है क्या वो जल्द पकड़ा जाएगा? जवाब देना पड़ेगा आला अधिकारियों को, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, क्योंकि हम उनके सहारे बैठे हैं, क्योंकि हमें और कोई बचाने वाला शायद नहीं है। तो इस खास पेशकश में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि अब तो जागो सरकार, पुलिस के आला अधिकारियों से गुजारिश है कि सर अब लापरवाही मत कीजिए, हम अपने बच्चों को नहीं खो सकते, हर पल डर में हम नहीं जी सकते, हम सिर्फ आपके सहारे हैं,
और अब आपको कार्रवाई करनी होगी ऐसे अपराध पर, ऐसे अपराधियों पर और अपने लचर सिस्टम पर भी। फिलहाल के लिए आज इतना ही, नमस्कार।